अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी एंड वेजिटेबल परोठा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए, बिस्मिल्लाह, मैंने 150 ग्राम मैदा, टेस्ट के लिए नमक, रवा, बारीक रवा यानी सूजी, थोड़ा सा तेल, नीम गर्म पानी और दूध गर्म किया हुआ। चलिए, हमने एक बॉल लिया है, इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने पहले से ही इसको अच्छे से छान लिया था। अब चलिए इसमें ऐड करते हैं नमक, सूजी यानी बारीक रवा, तेल। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध। थोड़ा पानी ऐड करना है, फिर थोड़ा दूध ऐड करना है। चलिए और थोड़ा दूध। थोड़ा सा पानी। देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगेंगे ऊपर और इसको 15 मिनट अच्छे से भीगने देते हैं ढक के। बिस्मिल्लाह, हमने मिर्च लिया है, इसको अच्छे से काट लिया है और गाजर को अच्छे से तुरप लिया। एक गाजर, एक हरे मिर्च, इसको भी अच्छे से काट लिया है। टमाटो, एक टमाटो, इसको भी बारीक काट लिया है बीज निकाल के। हरी धनिया और एक प्याज और अंडा अच्छे से उबाल के उसकी जर्दी निकाल के उसको तुरप लिया। देखिए, मैंने बटर बनाने के लिए और मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है और चीज़, चाट मसाला, पेपर। बिस्मिल्लाह, देखिए मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और पत्ता गोभी, टमाटो, प्याज, हरी धनिया, अच्छी इसमें अंडा तुरपली ऐसा अंडा मैंने ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गाजर, हरी मिर्च, टेस्ट के लिए नमक 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। चलिए इसको सभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है। अब थोड़ा इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। चलिए हम इसको छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। चलिए इसको अच्छे से बेल लेंगे।
देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा, और दूसरा तैयार कर लेंगे। चलिए इसको बेल लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है, और भी यही साइज का बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाह। इसको दोनों साइड में अच्छे से सेक लेना है। चलिए थोड़ा बटर ऐड करेंगे इसे। देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से सेक लिया है, अब इसको निकाल के दूसरा भी ऐसे ही सेक लूँगी। देखिए अब इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पूरे वेजिटेबल अच्छे से मिक्स कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। बच्चों को बहुत अच्छा सा सब पसंद है ये। अब चलिए इसमें ऐड करेंगे चीज़। चलिए इसके ऊपर और एक परोठा रख देंगे, तो अच्छे से प्रेस करना है। ऐड करेंगे थोड़ा बटर, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीरे से पलटा लेना है इसको। देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से सेक लिया, और प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए चीज़ी एंड वेजिटेबल परोठा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो
लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।